नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 12। इसमें हमारी प्रश्नावली चल रही थी 12.1, इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है, सामने पढ़ लीजिएगा। इसको लिखा हुआ है आकृति 12.3, एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया है, सवाल को कैसे लगाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सवाल को लगाएंगे इस टाइप से। हम सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं कॉपी पर एक बार, क्योंकि चित्र आपके सामने देखिए बना हुआ था, उसी प्रकार का चित्र हम कॉपी पर भी बना लेते हैं अपने। तो देखिए, हमने सबसे पहले चित्र को कॉपी पर बनाया। देखिए, चित्र कह रहा है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। तो देखिए, चित्र बना रहे हैं, पहले ये हमारा गोल्ड, ठीक, फिर ये हमारा रेड, फिर इसमें कह रहा है ब्लू, फिर कह रहा है हमारा ब्लैक। इस प्रकार से ये हमारा ब्लैक हो गया और फिर कह रहा है व्हाइट। इतने प्रकार का ये है, आप प्रकार की सहायता से बनाइएगा, अच्छा बन जाएगा आपका, ठीक है। मैंने तो उसने ऐसे बना लिया है, ठीक। सबसे पहले कौन सा है, ये गोल्ड है, लिख लेते हैं इसको गोल्ड जी। फिर इसके बाद रेड को आर लिख लेते हैं हम, रेड, ये इसलिए रेड लिख लीजिएगा, लिख जाएगा पूरा। फिर ब्लू को ब्लू लिख लीजिएगा और ब्लैक और वाइट, ठीक है। ये हमारा देखिए चित्र बन गया है। अब इसको समझते हैं क्या करना है इसमें है। सबसे पहले पूछ रहा है कि पढ़िएगा सवाल को एक बार फिर से, किताब अगर नहीं आपने निकाली तो किताबें निकाल लीजिएगा। आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, ये लक्ष्य दर्शाना है इसमें, ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र। देखिए, केंद्र हमारा ये हो गया, इससे बाहर 5 क्षेत्र, ये गोल्ड ये हमारा है, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, ये केंद्र हो गए, ये 5 क्षेत्र हो गए हैं, ठीक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, मतलब ये जो व्यास है गोल्ड वाले का, देखिए लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्व करते जाते हैं साथ में ही हम लिखेंगे। देखिए, गोल्ड, ये गोल्ड है, तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, देखिए इसका व्यास कितना दिया गया है हमें, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। अब व्यास दिया गया 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी बराबर व्यास बटे दो, मतलब क्या, 21/2 मतलब 10.5, या 21/2 रख लीजिएगा, 10.5 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगी हमारे, इसकी त्रिज्या आ जाएगी, किसकी त्रिज्या आ गई, गोल्ड की त्रिज्या आ गई 10.2, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये पट्टी जो रेड वाली है इसकी चौड़ाई यहाँ पे कितनी है, 10.5, तो यहाँ से लेकर ये 10.5 यहाँ तक है। फिर इसके बाद ये पट्टी जो इसकी भी चौड़ाई 10.5 है, इसकी भी चौड़ाई 10.5 है, ठीक है, इसकी भी चौड़ाई 10.5 है, तो इस प्रकार से मिलाकर इसकी चौड़ाई 10.5 है, ठीक है। यहाँ से ये कितनी है, ये भी 10.5 है त्रिज्या इसकी है, तो मतलब गोल्ड की त्रिज्या कितनी है, 10.5। और रेड की अगर त्रिज्या बात करें तो देखिए, गोल्ड प्लस रेड को जोड़ लें तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10.5, इसकी 10.5 ये, तीनों की बात करें तो सब में क्या हो, 10.5 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिला है कि गोल्ड वाले अंक की हमें त्रिज्या मिल गई है, तो पूछ रहा है सभी का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला काम करता हूँ यहाँ पर, तो निकालेंगे गोल्ड अंक का क्षेत्रफल, गोल्ड अंक का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ये गोल्ड वाला अंक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है बताएगा, ये वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है, और आर का वैल्यू कितना दिया गया है हमें गोल्ड के लिए 10.5, तो ये 10.5 × 10.5, ठीक है, मैंने आर का वैल्यू लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा इसको, तो देखिए 7 से काटेगा तो 7 × 1 = 7, 3 × 4 पॉइंट लगाया 37/35, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई तो देखिए गुणा कैसे करते हैं इसकी हम, तो गुणा आपको इस पर करके दिखा रहे हैं हम, तो 22 की गुणा सबसे पहले हमें करनी है 1.5 में, ठीक है, 22 की गुणा करेंगे सबसे पहले हम 1.5 में, तो 5 × 2 = 0 हाथ लगा 1, 5 × 2 = 11, ठीक है, इतना ये हो गया 110, ये हो गया है 22 का 5 में क्या, फिर 1 का करेंगे 2, 2 ये 2,
जो तीन तीन पॉइंट लगा लिया, मतलब कितना गया ये 33 आ गया है। इसका इसका गुणा क्या आया 33, इसकी गुणा करेंगे 10.5 में। तो 10.5 में देखिए हम आपको 33 की गुणा के बताएंगे, तो 33 गुणा कीजिएगा 53 15 के ये 0 ये 15 हो जाएगा, 3 3 315 ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये पॉइंट लगा लीजिएगा 346.5 आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लिया यहाँ पर हमने, तो ये कितना आ गया हमारा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों देखिए हमारा एक प्रश्न में सॉल्व हुआ है, इसमें हमारी एक बात खत्म हुई। यहाँ पर क्या कह रहा था यहाँ पर कि सबसे पहले हमें पांचों अंक के क्षेत्रफल निकालने, हमने क्या किया यहाँ पर गोल्ड अंक का क्षेत्रफल निकाल लिया है। हमारे गोल्ड वाला अंक था उसका क्षेत्रफल कितना आ गया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर आगे बात करें, देखिए इसका देखिए डिफरेंस कितना है यहाँ पे 10.5 का है, तो यहाँ से त्रिज्या ले जाती है, तो रेड गोल्ड प्लस रेड ये टोटल अगर क्षेत्रफल निकालें तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए गोल्ड और प्लस रेड, गोल्ड प्लस रेड इसकी त्रिज्या निकाल लीजिएगा। त्रिज्या कितनी जाएगी देखिए गोल्ड की त्रिज्या और रेड टोटल त्रिज्या 10.5 ये था 10.5 ये, तो 10.5 प्लस का 10.5 ये टोटल आ जाएगा 10 20 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या त्रिज्या आ जाएगी गोल्ड प्लस रेड की आ जाएगी टोटल। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे गोल्ड प्लस रेड का, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो देखिए गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पाई का पाई गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या कितनी है हमारी ये 21, तो 21 गुणा 21 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 22/7 गुणा 21 गुणा 21 सॉल्व कीजिएगा इसको 7 3 21, ठीक है। इसको देखिए एकदम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 22 3 66 और 21 का गुणा कर लीजिए, तो 1 6 1 6 यहाँ पर 2 13 1386 ये हमारा आ गया है टोटल यहाँ पर बराबर, ये आया है हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है गोल्ड और रेड दोनों का क्षेत्रफल आ गया है। हमने देखिए गोल्ड का तो अलग निकाल लिया था, ये आ गया था गोल्ड अंक का क्षेत्रफल 346.5, इसका आया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का है गोल्ड प्लस रेड का। तो इसमें से हम गोल्ड का घटा देंगे तो रेड का निकल आएगा, तो देखिए रेड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहीं पर, देखिए रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए रेड का निकाल लीजिएगा केवल, तो रेड का रेड अंक का क्षेत्रफल कितना जाएगा रेड अंक का क्षेत्रफल देखिए इसको यहाँ से लॉन्च कर देते हैं, तो देखिए रेड अंक का क्षेत्रफल आ जाएगा, देखिए रेड प्लस गोल्ड ये हमें रेड प्लस गोल्ड का दिया गया है 1386, ठीक है। तो लिखेंगे 1386 और माइनस इसमें से अगर हम गोल्ड का घटा दें, गोल्ड का कितना आया था मेरा 346, तो 346.5 इसको घटा दीजिएगा यहाँ पर, तो हमारा रेड का निकल आएगा। घटाना तो आप लोग आता होगा, देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए घटा लीजिएगा तो 1386.0 कर लीजिएगा और 346.5 घटा लीजिएगा, तो इधर हाँ से लेंगे 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 15 से 6 जाएंगे 9 बचेगा, यहाँ पे देखिए 7 से 4 जाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ पे 0 1 मतलब 1039.5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है हमारा, ये हमारा आ गया है सिर्फ ये रेड अंक जितना दिया गया था ये रेड अंक का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। गोल्ड का हमने निकाल लिया, हमने रेड का भी निकाल लिया है, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए अगर आगे बात करें तो आगे हमें निकालना है ब्लू का क्षेत्रफल। अब ब्लू अंक का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा समझिएगा बात को। अब देखिए ब्लू अंक का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब रेड प्लस गोल्ड प्लस ब्लू इनकी त्रिज्या हमें लिखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लिया, गोल्ड कितना अंक था ये हमारा, देखिए गोल्ड यही तो था हमारा कि देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये गोल्ड था हमारा इतना, रेड की बात किया तो रेड इस प्रकार से था हमारा, ये रेड यही तो था, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सही तरीके से देख लीजिएगा, ये हमारा रेड था इतना सिर्फ, ऐसे बचाओ तब से बाउंड्री जो थी वही तो रेड था हमारा, ये वाला इतना सिर्फ ये रेड था, अंदर गोल्ड था, और ये वाली जो ब्लू वाला ये हमारा ब्लू आ गया, देखिए फिर से ये हमारा क्या आ गया, ये ब्लू वाली आ गई है, ये ब्लू है इतना, इस प्रकार से ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप सवाल को देखते रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए ब्लू का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने ये दूसरा पेज लिया है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल, तो देखिए लिखेंगे रेड गोल्ड गोल्ड प्लस माँ देखिए गोल्ड और प्लस रेड गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, यानी कि देखिए त्रिज्या टोटल कितनी होगी कि त्रिज्या टोटल निकाल लीजिए, इसकी टोटल त्रिज्या की त्रिज्या निकाल लीजिएगा,
देखिए टोटल तैयार, देखिए 10.5, ये 10.5, 10.5, यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 10.5, 10.5 प्लस 10.5 बराबर 10.5, 10.5 और 10.5, ठीक है। तो इसको देखिए हम जोड़ लेते हैं, तो 10.5, 10.5, 10, 10, 10, 30, 31.5 हो जाएगा हमारा, ये 31.5 सेंटीमीटर। ये तीनों की त्रिज्या जोड़ लिए, अब गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू तीनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। त्रिज्या थी पास, तो देखिए गोल्ड प्लस रेड और प्लस ब्लू इन सभी तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या मिल गई, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल कितना है टोटल तीनों का, यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा हमारा, ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर लिख लीजिएगा स्क्वायर, देखिए निकाल लीजिएगा, तो पाई का पाई इंटू आर का वैल्यू 3, 31.5 इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पाई का वैल्यू देखिए 22/7, आर का वैल्यू कितना है 13.31.5 × 31.5, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, देखिए 7 से काटेगा इसको, 7 × 28, 3 × 7.35, तो हमारा आ गया है ये 4.4, हमारा कितना आया है कि 22 × 4.5 × 13, 31.5 इतना आ गया है, इसकी गुणा करनी है हमें, तो चलिए गुणा कर लेते हैं सबसे पहले हम, तो देखिए 22 का 45 में 4.5 में गुणा कीजिए पहले, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 22 का 4.5 में, तो 2 × 5 इसका 0 वहाँ लगा, 2 × 8 = 9, इधर 2 × 5 = 10 का 0 वहाँ लगा 1, 2 × 8 = 9, ये 0 लगा लीजिए, आप क्रॉस कर दीजिएगा 0, 9, 9, पॉइंट लगा एक बार पॉइंट लगा दीजिएगा 99, ये हमारा आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया मैंने 99, गुणा करना है हमें 31.5 में, उसका भी गुणा कर लीजिए, 99 का गुणा 31.5 में कीजिएगा, देखिए करके दिखा देगा आपको, तो 5 × 9 = 45 के 5 आने लगा 4, 5 × 9 = 45 के 5 आने लगा 4, और 9 × 1 = 9, 5, 9 × 1 = 9, 4 ये लिखा हुआ है, 9 × 4 13 × 3 हाथ से लगा 1, 9 × 3 = 27, 1 = 28, फिर वही सेम टू सेम रहेगा, 5, 3, 8, तो जोड़ लीजिएगा 5, 8, 11 = 1 हाथ से लगा 1, 8, 2 = 10 = 1 हाथ से लगा 1, 31, और पॉइंट लगा 1 के बाद तो पॉइंट लगा दीजिएगा, ये हमारा आ गया है बराबर 31, 18.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये क्या आ गया है हमारा, ये हमारा आ गया है गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू तीनों का क्षेत्रफल आ गया है, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना था, देखिए मैंने यहाँ देखिएगा सवाल में, ये मैंने गोल्ड का निकाल लिया था, अलग आ गया था मेरा, ये मेरा यहाँ पर रेड का आ गया था, ठीक है, हमें निकालना है ब्लू का क्षेत्रफल, तो अगर हम ब्लू अगर टोटल क्षेत्रफल से जैसे अगर बात करें यहाँ पर गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा, देखते हैं सवाल में फिर से एक बार, सवाल में कह रहा था गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल हमारा आया था, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल आया था 1386 आया था, तो देखिए हमारा यहाँ पर गोल्ड प्लस रेड इसका क्षेत्रफल, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल कितना आया था 1386, देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आया था 1386, तो 1386 आया था, और प्लस ये ब्लू इसका क्षेत्रफल बराबर कितना है हमारा 31, 18.5, अब ब्लू का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ब्लू का क्षेत्रफल कितना जाएगा, ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 31, 18.5 से घटाएंगे 1386, घटा लीजिएगा, देखिए इसका वही पॉइंट 0 कर लीजिएगा, तो 10, 5 से 0 जाएगा, 5 जाएगा पॉइंट में, 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 हासिल, 11 से 8 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर 0, 10 से 3 जाएगा, कितना जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है 2 से 1 जाएगा 1, ठीक है, तो ब्लू का कितना जाएगा 17, 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा ब्लू का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, मैंने क्या किया यहाँ पर गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल निकाला टोटल, और गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल घटा दिया इसमें से, तो हमारा कितना आ गया ब्लू का क्षेत्रफल आ गया, तो हमने देखिए क्या किया यहाँ पर गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लिया है हमने, रेड का क्षेत्रफल निकाल लिया है हमने, और ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लिया है, अब हमारा बचा है ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है हमें और व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना है, तो ठीक है, तो ब्लैक का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देखिएगा आप लोग यहाँ, अब आगे देखिए ब्लैक का क्षेत्रफल हम आपको बताते हैं, देखिए लिखेंगे हम कि गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, ये चार जो है इनका, इनकी पहले त्रिज्या लिख लीजिएगा, टोटल चारों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए ये 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, मतलब 10.5, 10.5, मतलब साढ़े कितना हो गया 21, 42 हो गए त्रिज्या टोटल, यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो गई, केंद्र से देखिए यहाँ से और ब्लैक तक की दूरी कितनी हो गई 42 हो गई, क्षेत्रफल निकाल लीजिए तीनों का, चारों का क्षेत्रफल,
गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का 22/7, आर का वैल्यू कितना है 42 × 42 हो जाएगी, 7×6 42, ठीक है, गुणा कर दीजिएगा। तो 22 × 6 × 12 कर दो, वहाँ से लगाए 1 × 6 = 24 = 25, गुणा कर लीजिएगा 252 का 22 में। तो 252 का 22 में गुणा कीजिएगा, यहाँ पे कर रहे हैं 22 में, तो देखिए 2 × 4 = 2 × 5 = 10 का जो वहाँ से लगाए 2 × 4 = 5, 504, ये 504 तो 4 ये आ गया है हमारा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक टोटल चारों का क्षेत्रफल आ गया है। अब अगर इसमें से हम देखिए क्या करें, अगर टोटल से अगर हम रेड और ये गोल्ड रेड ब्लू इनका क्षेत्रफल घटा दें तो ब्लैक का आ जाएगा। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए ब्लैक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो देखिए टोटल क्षेत्रफल है हमारा, टोटल क्षेत्रफल से अगर हम ग्रीन रेड और ब्लू का क्षेत्रफल घटा दें, कितना आया था ग्रीन रेड ब्लू का क्षेत्रफल हमारा, तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर गोल्ड वहाँ गोल्ड रेड ब्लू इनका क्षेत्रफल टोटल ये आया था हमारा 31.18.5। तो इसको घटा देते हैं हम, यहाँ पर देखिए तो हमने घटा लिया है यहाँ पर 31.18.5, ठीक है, घटाइएगा आप लोग भी। तो ब्लैक का क्षेत्रफल हमारा कितना जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसको लिख लेते हैं 55.44.0, इसको घटाएंगे 31.18.5। तो देखिए यहाँ पर 10 से जब 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 10 से जाएंगे 5 तो कितना जाएगा 5 बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर 13 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 8 जाएंगे 5 बचेगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा हमारा, यहाँ पर 5 से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 5 से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हमारा आ गया है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। तो हमारा देखिए हमारा ब्लैक का आंसर आ गया, ब्लैक का क्षेत्रफल इतना जाएगा। अब हमारा केवल रह गया एक व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको व्हाइट का भी क्षेत्रफल निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए व्हाइट का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वो भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए व्हाइट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए व्हाइट का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए समझिएगा सवाल इस पर पहले लिखेंगे हम कि गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक और प्लस व्हाइट, इन सभी टोटल सभी की त्रिज्या निकालेंगे पहले। त्रिज्या कितनी, टोटल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए सभी की 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 यहाँ तक है। तो देखिए 10 20 30 40 50 50 तो ये हो गया, और देखिए 0.5 0.5 1 ये 0.5 0.5 1 ये 2 और 0.5 2.5 ये हो गया, मतलब कितना हो गया टोटल 52.5 सेंटीमीटर हमारी ये त्रिज्या हो गई टोटल। अब देखिए टोटल सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे, गोल्ड पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे कि देखिए गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक और प्लस व्हाइट इनका देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं, का क्षेत्रफल निकालेंगे जब, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 5 52.5 इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 गुणा 52.5 गुणा 52.5 सॉल्व कर लीजिएगा। 5 से देखिए 5 × 7 = 49 50 51 52 3 = 5 × 7 = 35 इतना आ गया। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा देखिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं गुणा भाग कीजिएगा, इसका गुणा करते हैं, देखिए इसका गुणा कर लीजिएगा, तो 52.5 × 7.5 में गुणा कर दीजिए, 25 × 5 हाँ से लगा 2 5 × 2 = 10 11 12 2 हाँ से लगा 1 5 × 5 = 26 7 × 35 = 5 हाँ से लगा 3 7 × 14 15 16 17 7 हाँ से लगा 1 7 × 35 = 36 ये हमारा हो गया है इतना 393.75 हो गया हमारा। और 22 का गुणा हमें और करना है, इसमें टोटल गुणा कर लेते हैं, देखिए वो भी देखिए 2 × 5 = 10 हाँ लगा 1 2 × 14 = 15 5 हाँ से लगा 1 2 × 3 = 7 2 × 9 = 18 8 हाँ से लगा 1 2 × 3 = 7 वही यहाँ रहेगा 78 7 5 0 0 ठीक है 5 12 2 हाँ से लगा 1 16 6 हाँ से लगा 1 16 6 हाँ से लगा 1 इतना आ गया हमारा 2 86 62 हमारा आ गया है बराबर 86
62.50, ये हमारा आ गया है इतना सभी टोटल पूरे का क्षेत्रफल आ गया है। अब अगर इस टोटल क्षेत्रफल में से हम गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा देखिए व्हाइट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखेंगे व्हाइट का क्षेत्रफल कितना जाएगा, व्हाइट का क्षेत्रफल हमारा कितना जाएगा बराबर पूरे का क्षेत्रफल टोटल कितना दिया गया हमें 86.50। ये पूरे का क्षेत्रफल है, इसमें से हम गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कितना आया था वो देख लेते हैं, वो उसका आया था देखिए यहाँ पर, ये देखिएगा ग्रीन प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक इसका क्षेत्रफल आया था 5544, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल घटा देंगे हम, तो देखिए घटा लीजिएगा यहाँ पर, तो माइनस का 5544, तो देखिए कितना बचता है यहाँ पर हमारा, तो 0.5 का 0.5, 12 से 4 गए 8, यहाँ पे देखिए 5 से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे देखिए 8 से 5 गया 3, तो 31.18.5 हमारा भारत का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। तो हमारा ये देखिए सभी का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।